लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महावीर हनुमान के जय हो। 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 प्रणाम माता। प्रणाम ऋषिवर। ई काबा हनुमान माता। ई ऊ चमत्कारी रामशिलाबा जे पानी पे तैर गईल रहे और ऐसने असंख्य रामशिला के मिला के वानर सेना के लंका तक पहुंचावे खातिर नल नीले को महान सेतु के निर्माण कैले रहलन। सेतु गुरुदेव ई उहे सेतु बाना जेकर कथा रउआ हमने के सुनेले रहनी। हाँ बस हर पत्थर पर श्री राम के नाम लिखे नल और नील उ सेतु देखत ही देखत बना देले रहलन। हाँ और ओकरा पर से वानर सेना रावण के लंका पहुँच रहलन। हाँ बस हाँ बजरंगबली बजरंगबली सेतु बनावत समय और काका भइल रहे। सेतु बनावत समय सेतु बनावे के उद्देश्य हमार दृष्टि पटल पर ज्यों के त्यों अंकित बा। केवल सेतु बनावे के समाचार मात्र सुन के सारा वानर सेना वीर में उत्साह के लहर दौड़ गई रहे। वानर वीर सौ सौ योजन दूर से शिला उठा उठा के समुद्र के तट पर एकत्रित होखत रहलन और ओहिजा प्रत्येक शिला पर अपन हाथ से श्री राम के नाम अंकित करत रहलन। अंतर अंकित राम नाम को लिखता हूँ पाषाणों पे चेतनता की छाप लगाता फिरता जड़ अज्ञानों पे खल खंडन श्री राम भय भंजन श्री राम आंजनेय हनुमत के नैनांजन श्री राम राम सराजा राम सराजा ना राम सत्यागी राम धुन लागी श्री राम धुन लागी राम धुन लागी श्री राम धुन लागी जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। दशरथ नंदन श्री राम के जय हो। दशरथ नंदन श्री राम के जय हो। दशरथ नंदन श्री राम के जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान माता 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 अब जब ही रामशिला अयोध्या में नदी में प्रकट भई तो हम एकरा एजा लावे से रोक ना सकली माता।
मत एकरा अपन पूजा स्थल में प्रतिष्ठित करी। ई शिला केवल शिला नहीं के माता, स्वयं प्रभु श्री राम के प्रतीक बा माता, प्रभु श्री राम के प्रतीक बा माता। हाँ हनुमान, हाँ तू सत्य कहता रहा हनुमान। ये पावन रामशिला के दर्शन से तोहार नल नील और बानर सेना के पराक्रम के स्मृति सदा जागृत रही। रवा धन्य पानी माता, रवा सचमुच धन्य पानी। अच्छा माता, अब हमके आज्ञा दी। जय श्री राम। महर्षि, अब हमारा आज्ञा दी। जय श्री राम। जय श्री राम। आई हनुमान, रघुकुल के कुलगुरु वशिष्ठ जी दिव्य ज्ञानी पाणन वो श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के स्मरण अवश्य कर रहे हैं। महर्षि, जमा तक हमरा ज्ञात बा अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी शुरू हो चुकल बा। तो हमरा ओर से गुरु वशिष्ठ तथा श्री राम के अनुरोध करिहा, उस समय अब आ गई बा। वो शीघ्र अति शीघ्र अश्वमेघ यज्ञ आरम्भ करिहन, कहे से कि भविष्य में एकरा से कई महत्वपूर्ण घटना जुड़ल बा। जैसन और आ गया गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे रुका रुका, प्रभु श्री राम कहाँ बाड़न? प्रभु श्री राम उद्यान के दूसरा और रवे प्रतीक्षा करत बाड़न। ठीक बा। ना लक्ष्मण, ऐसा कैसे हो सकेला कि हनुमान हमरा बेटा बतैले कहीं चल गई। भैया, हम जाने नहीं कि रउआ हनुमान के बिना उद्विग्न हो जानी, वो अवश्य कौनो आवश्यक कार्य से गई होकी। ऐसा कौन आवश्यक कार्य हो सकेला लक्ष्मण कि हनुमान हमरा बिना बतैले कहीं चल गई। रउआ चिंतित ना हो कि भैया, हनुमान शीघ्र आवत होगी हन। जय श्री राम। जय श्री राम। हम कितना सौभाग्यशाली बानी प्रभु, हम कितना सौभाग्यशाली बानी। हाँ भैया, ये भक्त कितना सौभाग्यशाली बा कि स्वयं भगवान अपन भक्त खातिर चिंतित बाड़न। स्वयं भगवान अपन भक्त खातिर चिंतित बाड़न। आज हमारा आनंद के पारावार नहीं खे प्रभु, आज हमारा आनंद के पारावार नहीं खे। हनुमान, पहले हमरा ई बतावा, हमरा बिना बतावले कहवा चल गई रहल। भैया, आज के दिन हमरा खातिर बड़ा सौभाग्यशाली बा। भैया, बड़ा सौभाग्यशाली बा। सबसे पहले हमार परम भक्त नरोत्तम से भेंट भइल। नरोत्तम? हाँ भैया, भक्त नरोत्तम उ प्रभु श्री राम के ही तुच्छ सेवक के परम भक्त बा, और आपन भक्ति में इतना लीन बा कि हम वर्णन ना कर सकेली। आज ओकरे निमित्त हमरा पवित्र रामशिला के प्राप्ति भइल प्रभु, पवित्र रामशिला के प्राप्ति भइल। रामशिला? तू कौन रामशिला की बात करत बड़ा हनुमान? वह पवित्र रामशिला भैया, जेकरा सागर में तैरे से महान सेतु के निर्माण भइल रहे। रामशिला सेतु, परंतु ये सब पुराना बात के अब का प्रयोजन बा हनुमान? नरोत्तम के कथा त हम रउआ के फिर कबो सुनाई भैया, मुख्य बात तो ई रहल की। कौन सी बात? आज के दिन हमरा खातिर बड़ा शुभ बा भैया। सबसे पहले तो भक्त नरोत्तम से भेंट भइल, फिर गुरुवर नारद से, तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि से, फिर दोनों दिव्य राजकुमार लवकुश से, फिर माता सीता से, भाभी सीता, अब अपन प्रभु श्री राम से और भैया लक्ष्मण से। अब रउए बताई, आज के दिन हमरा खातिर कितना सौभाग्यशाली बाकी ना प्रभु? आज के दिन हमरा खातिर सौभाग्यशाली बाकी ना हनुमान? अर्थात तू वाल्मीकि आश्रम गए रहला? हाँ भैया, हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गए रहनी। और प्रभु, महर्षि वाल्मीकि रउआ खातिर एगो विशेष संदेश भिजवाइले बाड़न कि अश्वमेघ यज्ञ के आरंभ करे में हमनी के एको पल के विलंब ना करे के चाहिए। तू सत्य कहत बड़ा हनुमान, गुरु वशिष्ठ भी हमरा से कहले रहलन कि अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करे में अब हमनी के एको दिन भी विलंब ना करे के चाहिए। Yeah.
श्री राम, अश्वमेघ के श्याम कर्ण अश्व के शीश पर राहुरी घोषणा पत्र बांधल जाई। रउआ एकरा पढ़ के प्रजाजन के सुना दी। सूर्यवंशी कुल देवता भगवान सूर्य नारायण के नमस्कार बा। आर्यवर्त के समस्त राजा तथा प्रजाजन के सूर्यवंश के वर्तमान अधिकारी दशरथ नंदन श्री राम की ओर से प्रणाम तथा अभिनंदन। मित्रगण, हमने अपन वंश के परंपरा के अनुसार विश्व कल्याण तथा अयोध्यावासी के सुखद भविष्य खातिर महान अश्वमेध यज्ञ के आयोजन कैनी है। अश्वमेध के अश्व मथुरा नरेश महाराज शत्रुघ्न के नेतृत्व में समस्त आर्यवर्त में भ्रमण करी हन। जौन नरेश के मन में हमरा से अधिक शक्ति के अभिमान होके उई पूजित सुशोभित अश्व के पकड़े के साहस न करिहा। यदि वो ऐसन कैलन तो हमरा खातिर उनका से युद्ध करल अनिवार्य हो जाई। हम अपन शक्ति से उ उद्दंड नरेश के परास्त करके अपन अश्व के छुड़ा ले। प्राण हानि और जन हानि के उत्तरदायित्व उ नरेश के ही होखी। अयोध्यापति श्री राम के जय हो गे। 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 अयोध्यापति श्री राम के जय हो गे।
मथुरा नरेश महाराज शत्रुघ्न के, 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 अयोध्या पति श्री रामचंद्र 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 के, नारायण नारायण, अयोध्या पति श्री रामचंद्र के, अयोध्या पति श्री वीर हनुमान अश्वमेध के अश्व के साथे आर्यवर्त के भ्रमण करत बाड़ा। अच्छा ही बा, श्री राम के ही कार्य था तोहरा के ही करे के रहे। अयोध्या पति श्री रामचंद्र के। हाँ ना नारायण नारायण, महादेव रउआ कहाँ अदृश्य हो गई नी, हम राउर दर्शन खाती रह जाइल बानी प्रभु। नारद प्रणाम माता। प्रणाम। आज कैलाश सुना सुना लागत बा महादेव कहाँ अदृश्य हो गई लन। भगवान भोलेनाथ आज देवपुर गए बाड़न नारद। देवपुर? महादेव देवपुर कौन विशेष कार्य से गए बाड़न माता? देवपुर में उनकर परम भक्त राजा वीरमणि जे बाड़न। राजा वीरमणि के भक्ति से प्रसन्न होके भगवान भोलेनाथ ओकरा वरदान देले रहलन कि श्री राम के अश्वमेघ के अश्व आवे तक वो ओकर रक्षा करिहन। श्री राम के अश्वमेध के अश्व आवे तक, अर्थात अब जब अश्वमेध के अश्व देवपुर पहुँचे वाला बा तब महादेव भी ओइजा पहुँच गयलन। ई गुत्थी हमरा समझ में ना आई माता। एकरा से अधिक ता हम हो ना जानी नी नारद। हम जब उनका से कहनी कि हमरा साथे ले चली तो कहे लगलन युद्ध भूमि में तोहार का काम, तू हमरा लौटे तक ऐजा हमार प्रतीक्षा करा। परंतु हम प्रतीक्षा ना कर सके नी माता, रउआ युद्ध भूमि के बाद कहके हमार उत्सुकता और बढ़ा देनी। अब तो हम देवपुर जाके प्रभु के दर्शन कहले बिना ना रह सके नी। हमरा आज्ञा दी माता। कल्याण होके। पुत्र उन्माद, श्री राम के अश्वमेघ के अश्व के रोकल हमने खातिर उचित ना होगी। हमने के चुपचाप प्रभु श्री राम के सर्वोच्च सत्ता के स्वीकार कर लेवे के चाहिए। परंतु पिताश्री, ये हमने के मान सम्मान के प्रश्न बा। अश्वमेघ के अश्व अयोध्या नरेश के विजय का प्रतीक बनके हमने के राज्य के अधीन करके निकल जाई, ये हम कदापि सहन ना करब। हम अश्व के पकड़ के श्री राम के सत्ता के चुनौती दे। परंतु एकरा से युद्ध के संभावना बढ़ जाए पुत्र। युद्ध की संभावना बढ़े ला तो बढ़ जाए। जब सर्वशक्तिमान भगवान शिव हमनी के रक्षक बाड़े तो चिंता कौन बात के। यदि हमनी श्याम दंड अश्व के ना पकड़नी तो हमार वीरता कलंकित होखी। पिताश्री हमारे जाए की आज्ञा दी, अधिक सोच विचार मत करी। रउआ लोगन के कार आए बा सभासद, का हमरा राजकुमार उन्माद के बात मान लेवे के चाहिए। अवश्य महाराज, यदि हमनी अश्वमेघ के अश्व ना पकड़नी तो हमनी के प्रजा हमनी के कायर समझी। पिताश्री स्मरण करी उ वरदान के जोन भगवान शिव रउआ के दहले रहन। उ कहले रहन कि अश्वमेघ के अश्व आवे तक उ राउर रक्षा करी है। एकर अर्थ यह भइल कि अश्वमेघ के अश्व भगवान शिव खातिर भी उतने महत्वपूर्ण बा जितना कि हमनी खातिर। पिताश्री, भगवान शिव के वरदान पर विश्वास करी और हमरा जाए की आज्ञा दी। जैसन तुहार इच्छा पुत्र, भगवान शिव शंकर तुहार रक्षा करी। आयुष्मान भव। युवराज उन्मांगत के, हमारे साथ आवा। युवराज उन्मांगत के, युवराज उन्मांगत के। नारायण नारायण, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रभु,
या तो रउआ एजे शिव मंदिर में विराजत बानी या तो राजा वीर मनी के महल में विराजमान बानी। परंतु रउआ तो अकिंचन दिगंबर शिव शंकर बानी, रउआ भला कौनो के महल में कैसे रह सकेनी और वो माता पार्वती के छोड़ के। ना 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 नारायण नारायण, रउआ तो एजे इहे शिवलिंग में निराकार रूप से ध्यान मग्न बानी। प्रभु, हम राउर प्रिय नारद बहुत दूर से आयल बानी प्रभु, हमरा दर्शन दी। देवर्षि, तू एजो हमार पीछा ना छोड़ बा। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। परंतु प्रभु, राउरी नारद केवल राउर स्वर से संतुष्ट ना होगी, कृपया प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दी ना प्रभु। देवर्षि, हम अदृश्य रूप में ही अपन कार्य करे के चाहेली। प्रभु, रउआ के हमरा दर्शन देवे के ही होखी, काहे से कि हम रउआ से एगो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे के चाहेनी। रउआ केवल हमरा इतना बता दिया कि यह युद्ध की का संभावना बा। प्रणाम शिवशंकर। अर्थात देवी पार्वती रउआ के सब कुछ बता दे ली। अब प्रभु, अब रउए हमरा बता दी ना के ये युद्ध केकर केकर साथे होके वाला बा। हम अभी अभी देखनी के अश्वमेध के अश्व के साथे शत्रुघ्न और हनुमान भी बा, कहियो ये युद्ध इनकरे साथे तो ना होकी प्रभु। ना देवर्षि, इस समय हम रउआ के और कुछ ना बताई, एकरा से अधिक जाने खातिर रउआ के प्रतीक्षा करे के पड़ी। अब रउआ हमरा के अकेला छोड़ दी, कहे से कि रउआ ये भली भांति जानत पाने कि हमार लीला में व्यवधान डाले वाला हमार क्रोध के पात्र बन जाला। शांत प्रभु, शांत शांत। हम जाने नहीं प्रभु, परंतु का करी, रावरी परम भक्त नारद कल्याणकारी परोपकारी भी तो बा। जब हूं केहू के संकट के संभावना देखेनी तुरंत ओकरा सावधान करे खातिर विवश हो जानी। परंतु रउआ हमरा पर कोप ना करी प्रभु, यदि रउआ हमरा पर कोप करब तो हम भी कामदेव की भांति भस्म हो जाए और इस संसार से एगो शिव भक्त कल्याणकारी परोपकारी के अंत हो जाए प्रभु। देवर्षि, रउआ बहुते चतुर बानी, राउर यह चतुराई हमरा के प्रसन्न कर देवेला। प्रभु, यदि रउआ हमरा पर सचमुच प्रसन्न बानी तो हमरा एगो वरदान दे दी, उई के अश्वमेध के अश्व के साथे चले वाला श्री राम के दूत के प्राण हानि न होखी। बस बस हमरा के ही छोट से वरदान दे दी, फिर हम रउर एकांत में बाधा ना डालब। ना देवर्षि ना, इस समय हम रउआ के ही वरदान ना दे सकेली। हम केवल देवपुर के राजा वीर मनी के दिहल अपन वरदान के पालन करब। ऐसा ना कहीं प्रभु, निर्दोष प्राणी पर दया करी, अन्यथा हम यह प्रकार रउर चरण में पड़ल रहब। ना देवर्षि ना, इस समय हम रउआ के कोनो वरदान ना दे सकेली, परंतु इतना अवश्य बा कि हम राउर विनती ध्यान में रखब। अब हमरा अकेले छोड़ दी, राउर कल्याण होखे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। अयोध्या पति श्री रामचंद्र के, 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 नारायण नारायण पति श्री रामचंद्र के, अयोध्या पति श्री रामचंद्र के, अयोध्या पति श्री हनुमान बजरंग बली।
हनुमान। देवर्षि, प्रणाम गुरुदेव। हम रउआ लोगन के सावधान करे आयल बानी, देवपुर के राजा वीरमणि के ओर से कौनो अश्वमेध के अशु के साथे छेड़छाड़ करी तो। हमार श्यामकरण के साथे छेड़छाड़ करे वाला के हम जीवित ना छोड़ब देवर्षि, रउआ निश्चिंत रही। एही से तो हम तोहरा सावधान करे आयल बानी। राजा वीरमणि परम शिव भक्त बाड़न, यदि तू उनका हानि पहुंचावे के चेष्टा कैला तो तोहरा पर शिव के कोप बरस सकेला, और शिव के कोप कैसन होखेला ई हमरा तोहरा बतावे के आवश्यकता नहीं खे। हमार और शत्रु के बीच में भगवान शिव के आवे की का आवश्यकता बा देवर्षि? का महादेव चाहेलन कि केहू अन्याय अश्वमेघ यज्ञ के साथे छेड़छाड़ करे? उ तो कदापि न चाहिए भैया शत्रुधन, परंतु हमनी के सावधान रहे के होकी। कहे से कि आशुतोष शिव अपन भक्तन के रक्षा अवश्य करेलन, ये हम जानत आनी। नारायण नारायण, हमार कार्य पूर्ण भइल, हम चलनी। नारायण नारायण। चला सैनिक लोग, जय श्री राम। अयोध्या पति श्री रामचंद्र के, अयोध्या पति श्री रामचंद्र के, अयोध्या पति श्री रामचंद्र के। युवराज उन मांगत के, युवराज उन मांगत के, अयोध्या पति श्री रामचंद्र के, युवराज उन मांगत के। रुका, रथ रोका। उ देखत बानी राजकुमार, उ अश्व के साथे महावीर हनुमान भी बाड़े। तका भइल रिपुनार, हम श्री राम के यज्ञ के अश्व के पकड़े के प्रतिज्ञा करके निकलल बानी, हमरा केहू से भयभीत ना होके के चाही। उ त सत्य बा, परंतु हनुमान से भिड़े के अर्थ बा मृत्यु के बुलावा दिहल। का रउआ जानबूझ के मृत्यु के गले लगावल चाहत बानी? रिपुनार, प्रतिज्ञा व्रत वीर के मृत्यु से भय ना होखेला। परंतु जब सामने शत्रु अति बलशाली होखे तो ओकरा से समझौता करे में ही बुद्धिमानी बा। समझौता? कैसन समझौता रिपुरार? रउआ हनुमान से कह सकेनी कि यदि वो हमार महाराज वीरमणि के श्रीराम के श्रेष्ठ मान लें तो हम रउआ के अपन राज्य से आगे जाए देव। कई सब कहल उचित होखी? व्यर्थ युद्ध से ही अच्छा बा, यदि वो महाराज वीरमणि के श्रेष्ठ मान लेहलन तो फिर। हम समझ गए, हम तो आरी परामर्श के भी मान के देख लेता नहीं। अयोध्या पति श्री रामचंद्र के, अयोध्या पति श्री रामचंद्र के, अयोध्या पति श्री रामचंद्र के। इस सर्वश्रेष्ठ योद्धा महाराज वीरमणि के राज्य बा, तोरा पता बा तू उनकर सीमा में प्रवेश कर चुकल बाड़ा। हम महाराज वीरमणि के सुपुत्र राजकुमार रुकमांगत बानी। अच्छा, हमार मार्ग से तू जे केहू बाड़ा एकरा से हमरा का? राजकुमार उन्मादगत, का तू हमरा के चुनौती देवे आइल बाड़ा? हाँ, यदि रउआ महाराज वीरमणि के अयोध्या पति श्री राम से श्रेष्ठ मानब और ई राज्य से निकले के कर चुकाईब तो हम रउआ के एजा से आगे बढ़ देब, अन्यथा ई यज्ञ के अश्व हमार होखी। मूर्ख, का तू अपन विवेक खो चुकल बाड़ा? प्रभु श्री राम से श्रेष्ठ इस संसार में केहू नहीं खे, का तू इन बात नहीं खे जानत? जाना तानी, परंतु माने नहीं ना, तोरा हमार श्रेष्ठता स्वीकार करे के होगी, तबे तोरा आगे बढ़ दिहल जाई। अभिमानी, ओकरा से पहले तू हमार श्रेष्ठता स्वीकार करा। Ha 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 ha
श्री राम। सब काहे जानबूझ के अपना आपके मृत्यु के मुख में धकेलत बाड़ा? हम तुम्हार राजकुमार के माल्य नहीं की, केवल बेसुध कही नहीं है। जा जाके कहा अपन राजा वीर मनी से कि वो बेसुध राजकुमार के उपचार करी। जा भागा। हे शिव शंकर, हे महादेव, हे महादेव, हमार रक्षा करी महादेव, हमार रक्षा करी। हमार राजकुमार और सेनापति के हनुमान युद्ध में आहत कर देहलन, उनके रक्षा करी विश्वेश्वर, अपन वरदान के पालन करी विश्वेश्वर, अपन वरदान के पालन करी। वीर मणि उठा, हम अपन वचन के पालन करब, तू अपन वीर धर्म निभावा, कायर के भांति गिड़गिड़ावा मत। जा वीरमणि, शत्रु से युद्ध करा, तोहार कल्याण होखे। जो आज्ञा परमेश्वर, जो आज्ञा, जय होखे, जय होखे। वीरमणि, निहत्था पर वार कई सूर्यवंश के नीति नहीं खे। जा जा, हम तोरा अभयदान देत बानी। जय शिव शंकर। भैया 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 भैया, आंख खोली भैया, भैया उठी। महादेव, हनुमान, देवपुर नरेश, महाराज वीर मनी हमार भक्त बा और रक्षित बा, जे उनका परवार करी मारल जाए। महादेव, रहुआ हमार रक्षक प्रभु श्री राम के भ्राता, अश्वमेघ अश्व के रक्षक, मैया शत्रुघ्न पर प्रहार कैनी। हनुमान, हमरा जे करे के रहे हम कैनी, अब जे तोहरा करे के बाद तू करा।